धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपको इस वचन की परमेश्वर पिता मनन और पिता पढ़ने के सेवकाई में परमेश्वर पिता आप हमारे साथ हो। आपका आत्मा हमको सिखा रहा है, समझा रहा है और हमें अगुवाई कर रहा है, हमें आपके आगमन के लिए तैयार करता है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम में, हमें सहायता करने की हम विनती करते हैं। आमीन 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 पिता, थैंक यू जीसस। हम पढ़ेंगे ल्यूक 14 चैप्टर 1 वर्स से 24 वर्स, जजेस 17 चैप्टर 18 चैप्टर। ल्यूक का रचित सुसमाचार 14 अध्याय का एक वचन से 24 वचन, न्यायियों की पुस्तक 17 अध्याय 18 अध्याय हम पढ़ेंगे। ल्यूक का रचित सुसमाचार 14 अध्याय का एक वचन से, फिर वह सप्त के दिन फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे, और देखो एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सप्त के दिन अच्छा करना उचित है कि नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे हाथ लगाकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसका गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सप्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाल ले? वे इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। जब उसने देखा कि नेवताहारी लोग क्यों कर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा, जब कोई तुझे ब्याह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को नेवता दिया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को नेवता दिया है आकर तुझसे कहे कि इसको जगह दे, और तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़े। पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, कि जब वह जिसने तुझे नेवता दिया है आए तो तुझसे कहे कि हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बढ़ाई होगी, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों टुंडों लंगड़ों और अंधों को बुला, तब तू धन्य होगा क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखो, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों टुंडों लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ ताकि मेरा घर भर जाए।
क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन नेवते हुए हुओं में से कोई मेरे जेवनार को न चखेगा। और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और पीछे मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की बिसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा न हो कि जब नींव डालकर तैयार न कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। नमक तो अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किस वस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा? वह न तो भूमि के और न खाद के लिए काम में आता है। उसे तो लोग बाहर फेंक देते हैं। जिसके सुनने के कान हो, वह सुन ले। न्यायियों की पुस्तक 17-18 अध्याय हम पढ़ेंगे। अप्रैम के पहाड़ी देश में मीका नाम एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते ही शाप दिया था, वे मेरे पास है, मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष होए। अब जब उसने वे 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उससे एक मूरत खोदकर और दूसरी ढलकर बनाई जाए। सो अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर दिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवइयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी ढलकर बनाई, और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देवस्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक गृह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवीय यहूदा के बतलहेम में परदेशी होकर रहता था। वह यहूदा के बतलहेम नगर से इसलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह अप्रैम की पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बतलहेम से आया हुआ एक लेवीय हूँ, और इसलिए चला जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मुझे मिले वही रहूं। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बन, और मैं तुझे प्रति वर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़ा और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेवीय भीतर गया, और वह लेवीय उस पुरुष के संग रहने को प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवीय का संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि जब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवीय को अपना पुरोहित कर रखा है। न्यायियों की पुस्तक 18 अध्याय पहले वचन से। उन दिनों में इसराइलियों का कोई राजा न था, और उन्हीं दिनों में
दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिए कोई भाग ढूंढ रहे थे, क्योंकि इसराइली गोत्रों के बीच उनका भाग उस समय तक न मिला था। तब दानियों ने अपने सब कुलों कुल में से 5 शूरवीरों को सोरा और एश्ताओल से के देश का भेद लेने और उसमें देखभाल करने के लिए यह कहकर भेज दिया कि जाकर देश में देखभाल करो। इसलिए वे एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गए। जब वे मीका के घर के पास आए तब उस जवान लेविया का बोल पहचाना, इसलिए वहां मुड़कर उससे पूछा, तुझे यहां कौन ले आया और तू यहां क्या करता है और यहां तेरे पास क्या है? उसने उनसे कहा, मीका ने मुझसे ऐसा व्यवहार किया है और मुझे नौकर रखा है और मैं उसका पुरोहित हो गया हूं। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वह सफल होगी व नहीं। पुरोहित ने उनसे कहा, कुशल से चले जाओ, जो यात्रा तुम करते हो वह ठीक यहोवा के सामने है। तब वे 5 मनुष्य चल निकले और लैश को जाकर वहां के लोगों को देखा कि सिदोनियों की नाई निडर बेखटके और शांति से रहते हैं और इस देश का कोई अधिकारी नहीं है जो उन्हें किसी काम से रोके, और ये सिदोनियों से दूर रहते हैं और दूसरे मनुष्यों से कुछ व्यवहार नहीं रखते। तब वे सोरा और एश्ताओल को अपने भाइयों के पास गए और उनके भाइयों ने उनसे पूछा, तुम क्या समाचार ले आए हो? उन्होंने कहा, आओ हम उन लोगों पर चढ़ाई करें क्योंकि हमने उस देश को देखा कि वह बहुत अच्छा है। तुम क्यों चुपचाप रहते हो? वहां चलकर उस देश को अपने वश में कर लेने में आलस न करो। वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को और लंबा चौड़ा देश पाओगे और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वह ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। तब वहाँ से अर्थात सोरा और एश्ताओल से दानियों के कुल के 600 पुरुषों ने युद्ध के हथियार बांधकर प्रस्थान किया। उन्होंने जाकर यहूदा देश के किर्यत्यारीम नगर में डेरे खड़े किए। इस कारण उस स्थान का नाम महनैदान आज तक पड़ा है। वह तो किर्यत्यारीम के पश्चिम की ओर है। वहां से वे आगे बढ़कर एप्रैम के पहाड़ी देश में मीका के घर के पास आए। तब जो 5 मनुष्य लैश के देश का भेद लेने गए थे वे अपने भाइयों से कहने लगे, क्या तुम जानते हो कि इन घरों में एक एपोद, कई एक देवता, एक खुदी और ढली हुई मूरत है? इसलिए अब सोचो कि क्या करना चाहिए। वे उधर मुड़कर उस जवान लेविया के घर गए जो मीका का घर था और उसका कुशल क्षेम पूछा, और वे 600 दानी पुरुष फाटक में हथियार बांधे हुए खड़े रहे, और जो 5 मनुष्य देश का भेद लेने गए थे उन्होंने वहां घुसकर उस खोदी हुई मूरत और एपोद और गृह देवताओं और ढली हुई मूरत को ले लिया, और वह पुरोहित फाटक में उन हथियार बांधे हुए 600 पुरुषों के संग खड़ा था। जब वे 5 मनुष्य मीका के घर में घुसकर खोदी हुई मूरत, एपोद, गृह देवता और ढली हुई मूरत को ले आए थे तब पुरोहित ने उनसे पूछा, यह तुम क्या करते हो? उन्होंने उससे कहा, चुप रहे, अपने मुंह को हाथ से बंद कर और हम लोगों के संग चलकर हमारे लिए पिता और पुरोहित बन। तेरे लिए क्या अच्छा है, यह कि एक ही मनुष्य के घराने का पुरोहित हो वा यह कि इसराइलियों के एक गोत्र और कुल का पुरोहित हो? तब पुरोहित प्रसन्न हुआ, सो वह एपोद, गृह देवता और खोदी हुई मूर्तों को लेकर उन लोगों के संग चला गया। तब वे मुंडे और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चले। तब वे मुड़े और बाल बच्चों, पशुओं और सामान को अपने आगे करके चल दिए।
जब वे मीका के घर से दूर निकल गए थे, तब जो मनुष्य मीका के घर के पास वाले घरों में रहते थे, उन्होंने इकट्ठे होकर दानियों को जा लिया और दानियों को पुकारा। तब उन्होंने मुंह फेर के मीका से कहा, तुझे क्या हुआ कि तू इतना बड़ा दल लिए आता है? उसने कहा, तुम तो मेरे बनवाए हुए देवताओं और पुरोहित को ले चले हो, फिर मेरे पास क्या रह गया? तो तुम मुझसे क्या पूछते हो? क्यों पूछते हो कि तुझे क्या हुआ है? दानियों ने उससे कहा, तेरा बोल हम लोगों ने में सुनाई न दे, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधी जन तुम लोगों पर प्रहार करे और तू अपना और अपने घर के लोगों के भी प्राण खो दे। तब दानियों ने अपना मार्ग लिया और मीका यह देखकर कि वे मुझसे अधिक बलवंत है कि फिर के अपने घर लौट गया और वे मीका के बनवाए हुए पदार्थों और उसके पुरोहित को साथ ले लैश को के पास आए, जिसके लोग शांति से और बिना खटके रहते थे, और उन्होंने उनको तलवार से मार डाला और नगर को आग लगाकर फूंक दिया और कोई बचाने वाला न था, क्योंकि वह सिदोम से दूर था और वे और मनुष्यों से कुछ व्यवहार न रखते थे और वह बेत्रहोब की तराई में था। तब उन्होंने नगर को दृढ़ किया और उसमें रहने लगे और उन्होंने उस नगर का नाम इसराइल के एक पुत्र अपने मूल पुरुष दान के नाम पर दान रखा, परंतु पहले तो उस नगर का नाम लैश था। तब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत को खड़ा कर लिया और देश की बंधुआई के समय वह योनातन जो गेरशोम का पुत्र और मूसा का पोता था और वह उसके वंश के लोग दान गोत्र के पुरोहित बने रहे और जब तक परमेश्वर का भवन शिलो में बना रहा तब तक वे मीका की खुदवाई हुई मूरत को स्थापित किए रहे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपका वचन बहुत रहस्यमय है, आपके आत्मा के द्वारा हमारी समझ में भर कर रखा है। अब उसे परमेश्वर हम में प्रकाशन भरने के लिए आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डर लेना इसमें लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन आमीन। अगर आप चाहो तो और भी आगे पढ़ सकते हैं, रोमन्स 10 चैप्टर 11 वर्स से 21 वर्स तक पढ़ सकते हैं, सैम्स 119 चैप्टर 65 से 80 वर्स तक पढ़ सकते हैं, रोमियो के पत्र 10 अध्याय 11 से 21 वचन तक और भजन संहिता 119 अध्याय 65 से 80 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे, आमीन आमीन आमीन।